Welcome to Manipur, a state that's waiting to enchant you with the jewels of nature, where the love of art and beauty is inherent in people. Trailblazing milestones oh, and heroes that scripted history. <laughs> Its mystical charm will leave an impression for a lifetime. Come, savour the jewel land of Manipur. Vasudeva Kutumbakam. One earth, one family, one future. Vasudeva.

Never give up for this is just the place and time that the tide will turn. Study full throttle. पॉलिटी के सेक्शनल टेस्ट अभी कम्प्लीटने वाले हैं वीकेंड्स में वी आर गोइंग टू हैव अ स्पेशल क्लास और बहुत सारी चीजें अभी हम कवर करेंगे यहाँ पे ओके फॉर टाइमिंग अभी सिलेबस कम्पलीट करने पर ज्यादा क्लासेस प्रोडम्स की हुई है इकोनॉमिक्स पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री सी सेट ये अभी विदिन अ वीक कम्प्लीट हो जाएगा ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ फेबर लास्ट डेट है यूपीएससी फॉर्म फिल करने का ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ फैब के बाद वी विल स्टार्ट राउंड टू राउंड टू ओके देग्राम क्विज एवरीडे इन मॉर्निंग वी आरिंग फाइव सर्च मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्वाइन दिस इज वोकैबलरी इीडिसेंट इसका मतलब है रंग बिरंग शोइंग लुमिनस कलर दैट सीन टू चेंज वेन सीन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स रंग बिरंग टेड का मतलब होता है पुनर्जीवित करना फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस और अपेरेंट डेथ ब्रिंग बैक रिफ्रेश परवर्सिटी का मतलब प्रतिकूलता होता है अ डेलिबरेट डिजायर टू बिहेव इन एन अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल वे कॉर्पस मींस संग्रह अ कलेक्शन ऑफ रिटन टेक्स्ट स्पेशली वो एक कलेक्शन है संग्रह है कंपाइलेशन है मतलब किया हुआ बाद द जॉब इज डन रिजल्ट वर प्रेजेंटेड टू शेयर होल्डर्स एज अ फेट एक् जॉब इज डन देन फिर आपने शेयर होल्डर्स को उसके बारे में बताया फेट एक्म्पली दिस इज कॉर्पस दिस इज परवर्सिटी रसस्टिकेटेड एंड दिस इज दिस इज इरिडिसेंट इेंट सो इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो ये फैक्ट सीरीज 16 है, है तो सबसे ज़्यादा होती है, कमिटी की। आप बताओ एस्टिमेट कमिटी परमानेंट है या फिर एडहॉक है एस्टिमेट कमिटी और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं वेन एन एडवांस ग्रांट इज मेड बाय पार्लियामेंट पेंडिंग रेगुलर पैसेज ऑफ द बिल पैसेज ऑफ द बिल्ड इट इज कॉल्ड वोट ऑफ अकाउंट वोट ऑफ अकाउंट अब ये जो एडवांस ग्रांट होती है इसका प्रोपोर्शन कितना होता है टोटल बजट का आंसर हु इज हैविंग द पावर टू समन एंड डिजोल्व द हाउस ऑफ पार्लियामेंट समन एंड डिजोल्व करना हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा द आंसर इज प्रेसिडेंट और राज्यसभा को कौन डिजोल्व कर सकता है आंसर

टाइमिंग तो होता है बारा से एक क्या ये जीरो आवर का मेन्शन है पार्लियामेंट में या फिर पार्लियामेंट्री बुक्स में जीरो आवर वो पीरियड होता है जो क्वेश्चन आवर के बाद होता है और इसमें जो भी मैटर पब्लिक इम्पोर्टेंस कंसर्न का है वो हम डिस्कस करते हैं वो प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट द आंसर इज स्पीकर मिनिमम एज इन ईयर्स फॉर बिकमिंग द एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा 25 और 30 साल होती है क्या राज्यसभा राज्यसभा एमपी बनना है तो क्या आपको उसी राज्य का जो पोस्टल है जो बैलेट है वहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड वोटर होना जरूरी है या नहीं है आंसर अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इमपीच्ड सो दिस इज आर्टिकल 61 क्या प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट में जो नॉमिनेटेड मेंबर में नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा वो पार्टिसिपेट करते हैं क्या प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में और प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में क्या विधानसभा मतलब राज्य की जो विधानसभा होती है उसके मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं आंसर सो एक क्विक एग्जाम फैक्ट्स है जो आपको आने चाहिए ये सी सेट है सी सेट एवरी डे बेसिस पे सोल्व टू यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टी सो देन दिस इज क्वेश्चन सोल्व अब हम राइटिंग प्रैक्टिस पे आते हैं राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्क माई वर्ड प्रिलिम्स प्रसालीफाई हो जाता है मीन्स के लिए आपको लिखना बहुत जरूरी है और प्रिलिम्स और मेन्स का भी ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम दोनों की तैयारी अलग करते हैं ऐसा नहीं होता है आप इतना सारा टेस्ट सीरीज का भी कंटेंट देख रहे हैं कोचिंग कंटेंट एक्सेट्रा वगैरह देर इज नो गारंटी एब्सोल्युटली नो गारंटी कि वहां से एज इट इज पूछा जाएगा आपके रियल एग्जाम में हर साल सरप्राइजेस होता है कोचिंग बोलती है नॉर्थ तो यूपीएससी बोलती है साउथ सो so, जिसका सिलेक्शन होता है वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका राइट right टेम्परामेंट और एटीट्यूड और ओवरऑल जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस हुआ है यूपीएससी लेवल का सो so, आपको उस डायरेक्शन में ज्यादा काम करना चाहिए और इसका कोई सीक्रेट भी नहीं है यू जस्ट स्टडी विद विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड आप स्टडी करो आपका ऑटोमेटिकली सीसियर एफर्ट्स करो यू विल क्वालिफाई लिखना जरूरी है प्रिपेयर अ नोट ऑन द बिग कैट्स ऑफ इंडिया नोट ऑन द इंडियन मॉनसून सो ये दो सवाल है अभी चीता री इंट्रोडक्शन की भी बात चल रही है बिग कैट्स में क्या आ जाएगा लायन आ जाएगा टाइगर आ जाएगा, चीता भी आ जाएगा तो, तो, नोट बनाइए ये स्पीशीज क्या होती है आईओसी में क्या है साइट में कहा पर आते हैं इनका जो हैबिटेट है इंडिया में वो कहां पर है यू कैन ड्रॉ अ मैप एज वेल आर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नेचुरली गुड बनिए और इंडियन मोनसून बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज फ्राइडे है सो सैटरडे संडे आंसर दिस क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगा सो यू विल हैव सफिशिएंट टाइम राइट दीज टू क्वेश्चन मीडिया अपडेट में तो आप हैं पेरन बेन कैप्टन रिमेम्बरिंग द ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड सोशल वर्कर ऑनहर डेथ एनिवर्सरी नाइनटीन ट्वेंटी राष्ट्रीय स्त्री सभा मूवमेंट बेस्ड ऑन गांधी आइडियल सो रिमेम्बरिंग द ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड सोशल वर्कर ऑन हर डेथ एनिवर्सरी आपने राष्ट्रीय स्त्री सभा के फाउंडेशन में हेल्प किया था आप हैं बहुत बड़ा नाम है आप हैं ग्रेट नागा स्पिरिचुअल लीडर फ्रीडम फाइटर ऑन हर डेथ एनिवर्सरी हम याद कर रहे हैं आप हैं रानी गाइंदली सी अमृत महोत्सव है जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं फ्रीडम फाइटर्स हैं स्पेशली वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं हम उनको उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं रिमेंबरिंग द ग्रेट नागा स्पिरिचुअल लीडर एंड फ्रीडम फाइटर ऑन हर डेथ एनिवर्सरी शी बिलोंग टू ट्राइब लेड एन आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन मणिपुर नागालैंड एंड असम तो दिस इज रानी गेंद्यूनली ओके सो दिस इज फ्रीडम फाइटर अब आप हैं वासुदेव बलवंत फड़के गांव गांव में जाकर आजादी के लिए लोगों को प्रेरित किया आजादी के संघर्ष में अलग अलग कामों के लिए छोटे छोटे समूह बनाए आपको फादर ऑफ इंडियन आर्म रिबेलियन कहा जाता है आजीवन जेल की सजा सुनाई थी और जेल में ही स्वर्गवास हुआ था यह है वीर बुद्धू भगत लड़का विद्रोह के नायक आदिवासी समाज को आजादी के लिए प्रेरित किया स्वतंत्रता के लिए लोगों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया आपको पता है ये चीता है तो अप्रोक्सिमेटली सात चीता है अभी नाइन ऑफ द ग्लोबल रेंज अभी बची हुई है ये सत्रह कंट्रीज में मिलते हैं अल्जीरिया अंगोला बेनिन बोत्सवाना बुर्किना फासो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक चार्ड इथियोपिया ईरान कीनिया माली मोजाम्बिक नामीबिया नाइजर साउथ अफ्रीका तंजानिया युगांडा जाम्बिया और जिम्बॉम्बे तो ये है चीता बट ये अफ्रीकन चीता है इंडिया में मिलता था पहले एशियाटिक चीता जो अब एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया है ईरान में कुछ बचे हैं बाकी वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है तो अभी जो री हो रहा है वो हो रहा है अफ्रीकन चीता का इस अफ्रीकन चीता का तो ये सत्रह लिस्ट में अब एक और कंट्री का नाम जुड़ गया है और वो है इंडिया देन ये लाइफ मिशन है स्थायी जीवन शैली अपनाना जरूरी है सस्टेनेबिलिटी ऊर्जा जल सिंगल यूज सस्टेनेबल खाद्य कूड़ा कम करें सेहतमंद जीवन शैली अपनाए और ई वेस्ट को कम करें भारत की पहली मूक फीचर फिल्म कौन सी थी ए बी सी डी सही जवाब क्या है ये एडवर्टाइजमेंट है सी ये एडवर्टाइजमेंट है इंडिया की पहली मूवी जो दादा साहब फालके साथ ने राजा हरिश्चंद्र मूवी जो था दिस विद म्यूजिक सो ये बुक ये जो मूवी थी उसका पहला एडवर्टाइजमेंट है न्यूज पेपर एड ऑफ दादा राजा हरिश्चंद्र तो दिस इज इंडियन माइथोलॉजी पे थी ओरिजिनल सीन्स हैं बनारस के सीन हैं सो दिस इज दिस इज दादा साहिब फालके दादा साहेब फालके अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फ्राइडे फेबर सेवनटीन दिल्ली एडिशन सी

ट्राई 1997 एक्ट के अंदर यहाँ बोला है कि लाइक like आप जो मैसेजेस होते हैं उसमें एक चेक लगाना जरूरी है सो द पॉइंट इज मैसेजेस सच एज वन टाइम पासवर्ड वर बीइंग सबवर्टेड टू डिलीवर स्पैम इन हैड बीन ऑर्डर टू द रीवेफाई हेडर्स अंडर विच कमर्शियल एस एम एस मैसेजेस वर सेंड अब ये जो वन टाइम पासवर्ड्स होते हैं फॉर एग्जांपल आपका ओ आया है फॉर से बैंक का का आधार ये जो चीज होती है इसको स्पैम में नहीं काउंट होना चाहिए बट जो कमर्शियल एस आ रहे हैं और वो भी अनसोलिसिटेड है तो वहां एक एक्शन लेना जरूरी है डिस अलाउ कमर्शियल कॉल्स एंड टेक्स फ्रॉम बींग प्लेसड यूजिंग रेगुलर मोबाइल नंबर सो दिस इज क्रैक डाउन ऑन एस एम एस स्पैम ट्राई डायरेक्ट टेलीकॉम फॉर्म्स 86% पोलिंग है त्रिपुरा में एमिड्स पोरेडिक वायलेंसी त्रिपुरा में 86% पोलिंग हुआ दिस इज फैंटास्टिक लुक एट नॉर्थ ईस्ट पोलिंग परसेंटेज ऐसा ऑल ओवर इंडिया 86 90 ऐसे परसेंटेज होना चाहिए पोलिंग का देन स्टेट्स मस्ट पे पार्ट ऑफ एमजी नरेगा वेजेस यूनियन मिनिस्टर ने कहा 2023 इज अ की ईयर दिल्ली पुलिस को बिकॉज़ G20 है जी ट्वेंटी इज अ वेरी सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट इवेंट तो दिल्ली पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा फॉरन डिग्नेटरीज की सिक्योरिटी के लिए तो सेंटर इंटेंट टू मेक रेडिकल चेंजेस टू आई पी सी सी आर पी सी और इविडेंस एक्ट ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होते हैं आई पी सी सी आर पी सी और इविडेंस एक्ट इसमें अभी चेंजेस आएंगे तो दिल्ली पुलिस और जी ट्वेंटी का समिट देन दिस इज प्रेसिडेंट कलर बिला है ऑनर हुआ है हरियाणा पुलिस को हरियाणा पुलिस को अब ये है एडिटोरियल दिस इज एडिटोरियल राइट दिस इज एडिटोरियल एडिटोरियल में जो फर्स्ट न्यूज है वो है शफलिंग फीट इसमें रेगुलर टॉक्स है फॉरेन ट्रेड जो है अभी लाइक like डुबियस है डायनामिक है वहां पे और शार्पर पॉलिसी रिस्पॉन्स की जरूरत है हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हिट हुआ है बिकॉज ग्लोबल डिमांड नहीं आ रही है हमारा इम्पोर्ट अभी भी अच्छा रॉबिस चल रहा है बिकॉज वी आर इकोनॉमिकली डोमेस्टिकॉमी इकोनॉमी इंडिया की अच्छी है तो हम इम्पोर्ट करा रहे हैं बट एक्सपोर्ट हमारा रिलेटिवली हो नहीं रहा है तो इससे फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है जैसे पोस्ट क्रिसमस में कूलिंग ऑफ हुआ तो पेंट अप डिमांड थी फेस्टिव सीजन में ज्यादा परचेजिंग होती है अब कूलिंग ऑफ डिमांड है ऑर्डर बुक्स प्रोबेबली टू का हिट एक्चुअल शोइंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर कम दिख रही है एक्सपोर्ट फॉल हुआ है फार्मा प्रोडक्ट में भी मोमेंटम नहीं है और प्रोडक्ट्स अभी थर्टी एक्सपोर्ट आइटम्स में ज्वेलरी टेक्सटाइल द थिंग इज की सब जगह एक्सपोर्ट कम हुआ है अभी जो यूनियन बजट प्रेजेंट किया था निर्मला सीतारमन मैम ने वो पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट रीड दो मल्टीपल टाइम्स और आपको सारे सवाल बन जाएंगे अभी प्रम्स में रैंडम जरूरत नहीं है सो रीड दो मल्टीपल टाइम्स निर्मला सीतारमन मैम का स्पीच और समरी जो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किए सिल्वर लाइनिंग है तो कुछ अच्छा भी है कि ट्रेड डेफिसिट अभी ट्वेल्व मंथ्स लो पे है बट द ओवरऑल थिंग इज कि वी नीड टू बी इनोवेटिव टू एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए वी नीड सम इनोवेशन और एट द सेम टाइम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड हमें सेल्फ रिलायंट इंडिया पे एम्फेसिस देना पड़ेगा तो ये सब चीजों पे अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डिफिकल्टी आ रहा है अब देखिए वीकर ट्रेड बैलेंस है वो दो वे फैक्टर के कारण है पहला फैक्टर तो ये है कि स्लोइंग वर्ल्ड इकॉनॉमी है इससे एक्सपोर्ट हिट हुआ फिर रिजिलियंट डोमेस्टिक डिमांड अप इम्पोर्ट तो एक्सपोर्ट हिट हुआ बिकॉज बाहर से रिक्वायरमेंट नहीं आ रही और इंडिया में बिकॉज इकोनॉमी इज गुड तो रिक्वायरमेंट ज्यादा आ रही है तो हम इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो इससे डेफिसिट हो रहा है फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने भी कहा कि कंसर्न्स हैं और कल ये भी एक स्टेटमेंट आया था कि अगर जिस जगह पे इंपोर्ट बहुत डुबियस हो रहा है हम गवर्नमेंट उसको मॉनिटर भी करेगी हर प्रिस्क्रिप्शन टैब्स ऑन डेवलपमेंट इन डिफरेंट मार्केट्स और डीमोटिवेटेड नहीं हो होडविन ऑब्वियसली है की मार्केट्स में यूएस रिटेल में भी रिबाउंड होना चाहिए यूके जापान में भी डिस रिक्वायरमेंट फिर से अपटेक होना चाहिए इंडस्ट्रियल बॉडी को गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी सो दिस इज द मैसेज टाइम टू क्विट यहां पर बात है निकोला फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड जो उन्होंने रिजाइन किया है ये कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम और इसके आगे ये दी भी लगा देते हैं जैसे दी यूएस है यूके कर देते हैं बिकॉज इट इज नॉट वन इट इज अ ग्रुप तो यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम में कितनी किंगडम जाती है आंसर यूनाइटेड किंगडम यूके बोलते हैं ना हाउ मेनी किंगडम जाते हैं रीनिंग ओवर द कैपिटल फ्रॉम अब प्राइमरली टसल चल रहा है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का पोस्ट जो दिल्ली है वो स्पेशल स्टेट है तो दिल्ली इज अन टेरिटोरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली लजिस्लेटिव असेंबली ये नेशनल कैपिटल टेरिटोरी कहलाता है सत्तर सीट्स का विधानसभा चुनाव होता है यहाँ पे अब द पॉइंट इज इस विधानसभा चुनाव से एक आता है मुख्यमंत्री और एक प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं से लेफ्टिनेंट गवर्नर अब प्रॉब्लम होती है दोनों में फ्रिक्शन तो इसमें पॉलिटिकल बातें हैं हमें बस लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट और चीफ मिनिस्टर की पोस्ट और दिल्ली एनसीटी के बारे में पॉलिटी समझना चाहिए पॉलिटी समझना चाहिए ओके अब आप बताओ दिल्ली में जो नॉर्मल राज्य होते हैं तो स्टेट लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं बट देर आर सर्टेन मैटर्स दिल्ली बीइंग स्टेट वो मैटर्स दिल्ली को नहीं दिए जैसे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर ऐसे कितने मैटर्स हैं ये तीन आंसर सेकंड जो बात है वो आर्टिकल 40 है आर्टिकल 40 में डिसेंट्रलाइजेशन की बात है सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट भी हुआ था थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ सेवेंटी थर्ड मतलब पंचायती राज सेवनटी फोर्थ मतलब म्यूनसिपैलिटीज अब जो बात है कि लाइक दिल्ली में चुनाव है दिल्ली में जो म्यूनसिपल चुनाव है अभी हाल ही में हुए दिल्ली में जो अर्बन डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क है सो द पॉइंट इज डेलीगेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड दिल्ली आल्सो बीइंग द कैपिटल ऑफ कंट्री यहाँ पे क्लोजर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होगा दिल्ली गवर्नमेंट का भी और से दिस सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सो so दैट जो दिल्ली है दिल्ली को प्रॉपरली जी का मीट भी है प्रॉपर फास्ट ट्रैक पे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर पाए Reaning over the capital from above. Deep sea fish conservation must go, not go a drift sea. इसमें बड़ा अच्छा बात लिखा हुआ है इंडिया का जो कोस्टल है वो अराउंड सेवेंटी फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स का है कोस्टल हमारा इंक्लूडिंग आइलैंड्स, लक्षद्वीप एंड अंडमान अब यहाँ हमारे पास सी का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सी इंडियन ओशन जो है वो इंडिया के नाम पर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट सो द पॉइंट इज इंडिया को प्रॉपरली कैपिटलाइज करना चाहिए मेरीन रिसोर्स का यहाँ बात है फिशिंग का फिशिंग तो फिशिंग जो होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हम देख रहे हैं या डीप सी फिशिंग हो रहा है फिशिंग एक इंपॉर्टेंट डायटरी पैटर्न होता है डायटरी में इंक्लूड होता है डायट में इंक्लूड होता है फॉर लाइक कोस्टल कम्युनिटी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो हमारी फूड शॉर्टेज का प्रोटीन का एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का वो सब फिश से बहुत अच्छे से सी फूड से फुलफिल हो सकता है है 200 नॉटिकल माइल्स तमिलनाडु में बट यहाँ रेस्ट्रिक्शन है जैसे श्रीलंका नीचे आता है और ये इधर हमारा तमिलनाडु है यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कच्चा तीवू आइलैंड में इंडियन फिशरमैन को श्रीलंकन नेवल फोर्स अरेस्ट कर लेती है और एक

वो बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन हार्म हो रही है तो कंजर्वेशन मेजर्स यहाँ पे होना चाहिए ट्राइब्यूनल है उनका वर्क होना चाहिए साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए ओवर फिशिंग इज नॉट गुड ये सब बातें पे लिखा हुआ है अब कंजर्वेशन एंड कन्वेंशन की बात करें तो अनकलॉस के आर्टिकल 56.1 ए एंड 56.1 बी में अनकलॉस कोस्टल स्टेट्स हैव राइट्स टू दैट द लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ओवर and and एक्सप्लॉयटेशन नहीं है एक्सेस टू जोन बाय फॉरन फ्लीट इज ऑनली सोनली विद इन द कोस्टल स्टेट डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो फॉरन फ्लीट को अलाउ करो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में या नहीं करो और सब्जेक्ट टू इट्स लॉ एंड रेगुलेशन सो द्व इज इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइक शोर कंट्री की ओवर एक्सप्लॉयन कोस्टल स्टेट्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो अदरवाइज ये डेलीकेट बैलेंस जो होता है एक्ोलॉजिकल बैलेंस वो डिस्टर्ब हो जाता है सेम चीज अनक्लॉज के डिफरेंट साइंटिफिक अवेलेबल बेसिस में ऐसा कहा गया है अब ये जो कन्वेंशन है कंजर्वेशन ऑफ सदर्न ब्लूफ ट्यूना जिसे नाइनटीन में हुआ था तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारे जो कंट्रीज हैं ये बेस्ट प्रैक्टिस में आते हैं कि हमारा लाइक like, इकोनॉमी भी मेनटेन हो और ओवर टेक्सप्लाटेशन डैमेज टू इकोसिस्टम भी नहीं हो रेगुलेट करना ज़रूरी है फिशिंग मेथड को जैसे इंडियन ट्रॉलर्स होते हैं या फिर ह्यूज साइज ऑफ दिस पर्स सीन नेट्स होती है 2000 मीटर की लेंथ है 200 मीटर डेप्थ है तो ये क्लीन स्वीप कर लेती है नॉट ओनली नॉट ओनली फिशेज जबकि जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पे सो दिस इज अ डिफिकल्टी प्लस यहाँ पर है जिसे 1989 का तारावा डिक्लेरेशन है साउथ पैसिफिक फोरम का द होल आइडिया इज कि हमें जरूरत है फिशिंग और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस एक्वाटिक स्पीशीज को हम कंट्रोल करें कंट्रोल करें यूएन ने भी कहा था कि हम डेवलप कॉलिंग फॉर मोरेटोरिया ऑफ ऑल लार्ज स्केल पैलाजिक ड्रिफ्ट नेट फिशिंग वेसल्स बिकॉज कमर्शलाइज फिशिंग से अगेन डिसबैलेंस हो रहा है ओवर फिशिंग से डिसबैलेंस हो रहा है फिशरी मैनेजमेंट करना जरूरी है देन अगेन साइटेड है आर्टिकल ट्वेंटी बी और इसमें लिखा है प्रोटेक्ट करो ह्यूमन एनिमल्स और प्लांट्स को कंजर्वेशन जरूरी है फिशेस का डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंजम्शन के लिए करो अकॉर्डिंग टू नीड करो अकॉर्डिंग टू ग्रीड नहीं करो इसमें श्रिम टर्टल्स ये सारी चीजें भी यहाँ पर आ जाती है सो द पॉइंट इज एशिया में फिश जो है कोस्टल जोन में बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन रिसोर्सेज भी है ये हमें बेहतर रेगुलेशन करने की जरूरत है ट्रेजिडी ऑफ द कॉमंस विद सेज फ्रीडम इन अ कॉमन ब्रिंग्स यून टू ऑल शुड कन्विंस ऑल फिशरमैन द दिस पर्स सीनर्स ऑफ तमिलनाडु दैट दे मस्ट कॉपरेट इन कॉम्प्लाई विद कंजर्वेशन मेशर्स देखिये ये ऐसा कुछ होता है यहाँ पे तो ये एक बिग नेट है ह्यूज साइज का और इससे ओवर फिशिंग हो रहा है ओवर फिशिंग हो रहा है तो इसको स्टॉप करने की बात है

बेंगलुरु एयर शो में इसने अपनी एरियल कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन किया देन सेलिंग वीट फ्रॉम बफर स्टॉक टू बूस्ट लोकल सप्लाई को कम हो रही है उसको बढ़ाने के लिए ओ एन जी सी शेयर बढ़े हैं ओके इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंसर्स भी अगर हम ऐसा देखते हैं ना ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए ब्लाइंडली अक्सर आपको सजेशन आ रहे हैं ऐसा हुआ लाइक यू आर परचेजिंग दिस एंड दैट ऑलवेज लाइक फॉलो योर ब्रेन एज वेल टेक योर ब्रेन अलॉन्ग विद यू हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए तो so, अक्सर यहाँ पे डिस्ट्रॉशन होते हैं उसके लिए यहाँ पे कंप्लेन का सिस्टम भी है मैपिंग जनरल परवेज लेगेसी नाउ सी आई ऑफन से कि पाकिस्तान एक failed state है। why? Because पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है बिकॉज की लेगेसी देखो यहाँ के लीडर्स या तो किसी भी गवर्नमेंट का यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का फाइव ईयर्स कंप्लीट नहीं होता दूसरा यहाँ के जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स है अक्सर जो मिलिट्री है बिकॉज आई ऑलवेज से पाकिस्तान इज नॉट वन कंट्री पाकिस्तान इज फोर कंट्री पाकिस्तान में एक होती है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट दूसरी होती है यहाँ की मिलिट्री यहाँ की मिलिट्री बहुत ही अलग टाइप की मिलिट्री है तीसरी यहाँ पे होती है रिलीजियस एंड फंडामेंटल फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ज्यादा इन्फ्लुएंस है और जो फोर्थ है वो फॉरेन पावर है कभी चाइना अरेबिया कभी रशिया कभी यूएसए एटसेट्रा सो दैट इज वाई ये चार अलग डायरेक्शन में पुल हो रहा है पाकिस्तान सो दैट इज वाई सेवेंटी फाइव के बाद भी ये यहाँ इनरेस्पॉन्सिबल कंट्री माना जाता है अब सी यहाँ बात है परवेज मुशर्रफ जनरल परवेज मुशर्रफ ये जो दौर था 1999 का एक तरफ तो टॉक्स चल रहा था इंडिया बस सेवा वगैरह सब टॉक्स चल रहा था और फिर जो नवाज शरीफ उनको ये नहीं पता था कि मिलिट्री वहाँ पे कू करने वाली है मिलिट्री कू होने वाला है तो रूल किया पाकिस्तान नाइनटीन टू टू और अगेन आइडियोलॉजिकली यहाँ पर डिफिकल्टीज थी फंडामेंटल्स वीक थे अब द प्रॉब्लम इज की द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल जनरल्स मिलिट्री को पाकिस्तान में इज नॉट न्यू इससे पहले चार बार और हो चुका है फोर आर्मी चीफ्स हु डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर इन पाकिस्तान जिया उल हक थे उनका एयरक्राफ्ट 88 एट दैन सी सेम सेम प्रेजेक्ट्री है सेम प्रेजेक्ट्री है यहाँ पे सो द पॉइंट इज द पॉइंट इज की अनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान जो हो है वो वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा सीरियस थ्रेट बन जाता है दैट इज वाई अभी पाकिस्तान में जो डिफिकल्टी हो रही है इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो रही है आई एम एफ एंड एंटायर वर्ल्ड इज वर बिकॉज पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पॉवर्ड कंट्री एज वेल सो अगर वो इनरेस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो इट्स अ बिग थ्रेट टू द एंटायर वर्ल्ड नॉट ओनली इंडिया सो दिस इज दैट देन स्टोरीज ऑफ एम्पैथी ऑन पब्लिक हेल्थ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स एंड पैलिएटिव केयर समटाइम्स पता है बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है केयर उनको सुनो स्पेशल नीड्स है उनको फुलफिल करो एट टाइम्स पेरेंट्स पुश करते हैं बहुत ज्यादा चिल्ड्रन को दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग एम्पैथी होना बहुत जरूरी है स्पेशली लीडर्स में आप अभी सिविल सर्वेंट्स भी बनेंगे रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे जाएंगे एम्पैथी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम जी फोर में पढ़ा है ना एथिक्स में एम्पैथी क्या होता है डिफाइन आप बताइए वॉट इज द मीनिंग ऑफ एम्पैथी

अब यहां पर है जैसे ह्यूमन है ह्यूमन मतलब इट इज अमूमन ह्यूमन है ह्यूमैन ऑफिसर पुलिस में है बट शी इज अन ऑफिसर मतलब इट इज लाइक कि वहां पे टेंडर काइंड हार्टेड है मोरालिटी है शी इज ह्यूमन ऑफिसर मोरल का मतलब होता है कंसर्निंग प्रिंसिपल मोरालिटी इट इज अ मोरल क्वेश्चन वी डोंट एनी मोरल इंस्ट्रक्शन क्लास मोरल मतलब एक स्टेट ऑफ डिसिप्लिन मतलब आर्मी का मॉरल हाई होना चाहिए स्टूडेंट्स का मोरल हाई होना चाहिए ऑफ हाई हाई होना Josh, Josh, Josh हाई होना चाहिए चाहिए जोश 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 द तो ये मोरल है बोर्न को हम ले सकते हैं जब बर्थ हुआ बाईस मई उन्नीस सौ अड़तालीस और वॉटर बोर्न डिसीजेज है लाइक दैट वी कैन से दैट द चिल्ड्रन बोर्न बाय फर्स्ट वाइफ सफर तो इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज एक ही वर्ड के मल्टीपल यूजेज होते हैं

अब है वर्ड ऑफ द डे इग्नोमिटी इग्नोमनी इग्नोमनी मतलब स्टेट ऑफ डिसऑनर शेम डिसग्रेस देन दिस इज आई एफ का एक्विजिशन हुआ है फाइटर जेट्स टू बी पार्ट ऑफ द मेजर प्रोक्योरमेंट प्लान अभी हमें जरूरत है थर्टी सिक्स रफेल आ गए बट वी नीड मोर फोर्टी टू स्क्वाड्रन सेंशन है बट वी आर वे वे शॉर्ट वे वे शॉर्ट बत्तीस तैतीस स्क्वाड्रन अभी चल रहा है मिक ट्वेंटी वन चला जाएगा तो और कम हो जाएगा मेगा फाइव हंड्रेड फाइटर एयरक्राफ्ट एक्यूजिशन प्रोसेस अभी एनवल पे है फॉर द आर्म फोर्सेज फोर्टी टू स्क्वाड्रंस का है और ये स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ हमें रखनी है बिकॉज वी आर लिविंग एट अ वेरी डिफिकल्ट नेबरहुड हॉस्टाइल नेबर्स सो वी हैव टू बी लाइक वेल प्रिपेयर सो दिस इज मल्टी मल्टीरोल फाइटर जेट्स हैं एक सौ चौदह का भी रिक्वायरमेंट है इस पे अभी रिक्वेस्ट भी आया है और लेटेस्ट अभी इसका पूरा प्रोसीजर होगा लेटेस्ट अभी बहुत आर एंड नहीं करते जिसको एयरफोर्स फाइनलाइज करेगी जिस हेली जिस प्लेन को उसके बारे में फिर हम डिटेल में बात करेंगे बाकी हमारा एटी थ्री एल मार्क वन भी है मार्क टू फिफ्थ जनरेशन पे भी वर्क चालू है हमें इंडिजिनाइजेशन करना बहुत जरूरी है ओके तो ये एल सी ए मार्क टू का भी आएगा स्क्वाड्रन और रफेल भी है बहुत सारे अभी कॉम्पिटिटर है लेटेस्ट सी इनमें से कौस, किसको इंडियन दिस हम सेलेक्ट करते हैं लेटेस्ट सी तो बोइंग एफ ए है सुपर हॉर्नेट है डसॉल्ट एविएशन का है देन ट्वेल्व एडिशनल सू थर्टी एम के आई भी चाहिए बिकॉज एट टाइम्स एक्सीडेंट्स में वी लूज अवर एयरक्राफ्ट तो द पॉइंट इज कि ये अभी ए एम सी ए बुला रहे हैं लेटेस्ट सी ओके लेटेस्ट सी लेटेस्ट सी लेफ्टिनेंट जनरल राजू शिफ्टेड न्यू वाइस इन लद्दाख एंड नो एज बार टू रजिस्टर फॉर कैडेवा ऑर्गन ट्रांसप्लांट पहले ऐसा था कि अगर बहुत सीनियर है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं है बट ये भी पैंसठ साल का जो है ये एज बार अब हटा दिया तो है तो मेजर ट्वीक है ऑर्गन डोनेशन पॉलिसी में और ये लिखा है कि पैंसठ के साल

एंड दिस इज चीता बारा चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका लाइकली टू रीच इंडिया टूडे तो चीता आ रहे हैं इंडिया में नमीबिया से कूनो नेशनल पार्क में आ रहे हैं और इसको जोहानसबर्ग से एयरफोर्स बोइंग सी सेवेंटीन ग्लोब मास्टर लेके आएगा कुनो नेशनल पार्क दिस मध्य प्रदेश में इसको आगे हम और देखते हैं हमें वायबल पॉपुलेशन चाहिए इन बिग कैट्स की चाहे वो चीता हो चाहे वो टाइगर हो चाहे लैपड हो या फिर वो गिर के लायंस हो रशिया की मॉन्स्ट्रस्ट ब्यूरोक्रेसी के कारण यूक्रेन वॉर इतना ज्यादा लंबा खिंच रहा है स्कॉटिश इंडिपेंडेंस अब सी ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही है अभी ईरान ने चाइना को विजिट किया अब भी चाइना के मिस्टर शी जिनपिंग इज गोइंग टू विजिट ईरान ईरान तो अगेन ये जो है यूनाइटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये जो फ्रेंडशिप हो रही है चाहे वो रशिया हो या चाइना हो या ईरान हो ये ट्रॉयका बनता नजर आ रहा है दिस इज अगेन इंडिया को केयरफुल रहना चाहिए विटनेस कमिटेड पर्जरी इन दिस एंड यहां पर है आईओसी कॉन्ट्रेक्ट अदानी गवर्नमेंट चार्जिंग ऑन जी एस टी स्क्रैप जी एस टी काउंसिल और गारमेंट का एक्सपोर्ट है डेटा यूजेज बढ़ा नाइनटीन पॉइंट फाइव जी बी क्रूड ए टी एफ और डीजल पे लेवी अभी गवर्नमेंट ने स्लैश कर दिया है कल हमने पढ़ा था ना विंड फॉल विंड फॉल दिस गेन हुआ उस पर टैक्सेशन लगाने का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया कंफर्टेबली रिटेन करेगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया सो दिस इज द हिंदू न्यूज पेपर और यहाँ पर कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं चीता के लिए सो दिस इज चीता चीता जो है इंडिया में फॉरेस्ट ग्रासलैंड इको सिस्टम को रिस्टोर करने में हेल्प करेगा बायोडाइवर्सिटी एनहेंस होगी वाटर सिक्योरिटी कार्बन सिक्विस्टरेशन सॉयल मॉस्चर ये सारे की वर्ड्स पता होने चाहिए ये वर्क करेगा इको डेवलपमेंट इको टूरिज्म एक्टिविटीज होगी इकोनॉमी आएगी यहाँ पे ओवरऑल हेल्प होगा तो तो दिस इज चीता चीता संस्कृत संस्कृत मीन होता है तो है द स्पॉटेड वन सी इसका ओरिजिन भी में ये अराउंड बहुत बड़ी कैट नहीं होती अब बताओ चीता रोर करता है क्या जैसे लायन का रोर है टाइगर का रोर है चीता का रोर होता है क्या चीता इज नॉट अ बिग कैट मतलब बिग कैट्स में आता है बट इट इज नॉट सेम रैंक ऑफ लाइक लायन और टाइगर तो चीता की स्पीड बहुत अच्छी है स्प्रिंट बहुत करता है फास्टेस्ट लैंड एनिमल इसको बोला जाता है सो so, दिस इज चीता ओके okay? अब आज के ये दो सवाल है वेबसाइट में सम इश्यूज मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ टीम सो विल सी आप इसको सबमिट कर देना राइटिंग प्रैक्टिस दिस ये दो सवाल को मैं इसको कल सारे डिस्कस कर लूंगा ऑलराइट सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ